ओम नमः शिवाय। राधे राधे भक्तों, भगवान शिव शंकर की लाला की कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे। भगवान शंकर की मैं डेली पूजा सेवा कैसे करती हूँ आज आपके साथ मैं यही शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं तोड़ के लेके आई थी तुलसी लाला के लिए, और तुलसी को हम ऐसे डंठल की तरफ ही थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे किसी बर्तन में और वॉश करके, तो तुलसी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, कई दिनों तक चल जाती है, ऐसे हरी भरी रहती है। तो यहाँ पे हमने लाला को स्नान करा दिया था, लाला का श्रृंगार भी कर दिया है। अब मैं कराऊंगी भगवान शंकर को स्नान। तो बेलपत्र पे हम आसन देंगे और उसके बाद में हम भगवान शंकर को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराते हुए हमने गंगा जल जरूर डालना है जल में, और उसके बाद में हम अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करते हुए भगवान शंकर को हमें यहाँ पे स्नान कराएंगे। इसके बाद में हम कराएंगे गंधोदक स्नान। तो आप गंधोदक स्नान जरूर कराए, जैसे सावन सोमवार आता है या फिर जैसा भी सोमवार आता है कोई भी मंथली, तो हमें जैसे कि पंचामृत से, कच्चे दूध से, शहद से मैं स्नान करा देती हूँ। नहीं तो डेली मैं शुद्ध जल में गंगा जल डाल करके और ऐसे मैं स्नान करा देती हूँ। बीच बीच में गंधोदक स्नान भी करा देते हैं, बीच बीच में हम जैसे कच्चे दूध से स्नान करा देते हैं। तो हमने शुद्ध जल से स्नान कराया, उसके बाद में भगवान शंकर का करेंगे हम अच्छे से अंग पोषण। और अंग पोषण करके उसके बाद में हम भगवान शंकर का देंगे इत्र की सेवा। और जैसे लाला को तो मैं दोनों टाइम इत्र की सेवा देती हूँ, पर भगवान शंकर को मैं जैसे सुबह स्नान कराती हूँ ना, तो मैं इत्र की सेवा दे देती हूँ। और ये नहीं है कि भाई हमने सावन सोमवार में हमने पूजन कर लिया और बाकी दिन नहीं किया। तो हमारे घर में अगर शिवलिंग है, भगवान शंकर विराजमान है, तो हमें डेली ही पूजन करना चाहिए। अगर शिवलिंग नहीं है तो फिर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हो। पार्थिव शिवलिंग की भी बहुत बड़ी महिमा होती है सावन के महीने में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता पार्थिव शिवलिंग बनने में, 1 मिनट के कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने भगवान शंकर के ये कर लिया और उसमें हमने विराजमान किया। और अब भगवान शंकर को हम निवेदन करेंगे कलावा, कलावा रूपी वस्त्र हम निवेदन कर देंगे। अगर सोमवार होता है तो आप हर सोमवार टू सोमवार आप जनेऊ निवेदन कर सकते हो। अगर डेली सेवा करें तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हो वस्त्र के रूप में। सेवा भाव की होती है, मन अच्छा होना चाहिए, भगवान के प्रति प्यार होना चाहिए। लाला को, भगवान शंकर को कोई भी लगा ली, देवी देवते भगवान कोई भी, तो प्यार से और भाव से ही होती है भक्तों सेवा। तो यहाँ पे हमने त्रिपुंड बनाएंगे, और अगर डेली आपसे त्रिपुंड बन जाता है तो आप बना लीजिए, नहीं बनता है तो आप ऐसे चंदन से तिलक भी कर सकते हो। अगर चंदन है तो चंदन, नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हो, भस्म से तिलक कर सकते हो। भगवान शंकर को रोली से तिलक नहीं किया जाता है, भस्म से या फिर चंदन से या फिर चंद्र के रूप, जैसे हल्दी, जैसे चंदन के रूप में हम हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेलपत्र लिया और बेलपत्र पे ऐसे तिलक करके और हम यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा देंगे, भगवान शंकर को निवेदन करेंगे। अगर आप सोमवार टू सोमवार बेलपत्र चढ़ा रहे हो, भांग, धतूरा, कहवा के पत्ते या कहवा के फूल, धतूरे का कांटे वाला जो फूल आता है वो आप डेली चढ़ाते हो तो सही है सोमवार के दिन। अगर डेली नहीं मिल पाता है तो आप बेलपत्र भी निवेदन जरूर करें, बेलपत्र की भी बहुत महिमा होती है। यहाँ पे हमने सफ़ेद कलर का फूल निवेदन किया, और यहाँ पे भगवान शंकर को मैं माला जरूर पढ़ाती हूँ, रुद्राक्ष की माला। अगर माला नहीं है तो आप एक रुद्राक्ष भी निवेदन कर सकते हो। यहाँ पे हमने मटकी भरी पानी की और ये रख दिया, आप एक दो टपका इसमें दूध डालकर भी रख सकते हो, और बीच बीच में इसको मैं भर के रख देती हूँ तो यहाँ पे ऐसे एक एक टपका गिरता रहता है। उसके बाद में हमने भस्म दिया, भस्म निवेदन करी भगवान शंकर को। और सावन के महीने में तो पूरे सावन भस्म जरूर निवेदन करनी चाहिए, नहीं तो सोमवार के दिन तो आप जरूर करें। यहाँ पे हम लाला को भी तिलक करेंगे और उसके बाद में हम लाला को मुरली दे देंगे। मुरली मैंने दी नहीं थी और तिलक नहीं किया था, तो अभी मैंने तिलक भी कर दिया और मुरली भी दे दी लाला को। और इसमें के बाद में हम यहाँ पे फूल निवेदन करेंगे लाला को। तो यहाँ पे हम फूल निवेदन कर देंगे। अगर घर में हमारे फूल लगे हुए होते हैं ना प्लांट में, तो यहाँ पे मैंने जैसे मोगरा के, गुड़हल के, सदाबहार के ही हमने फूल लगा रखे हैं जैसे प्लांट में, तो इजी रह जाता है। जैसे मार्केट में लाने का टाइम नहीं मिल पाता है तो हम घर से तोड़ करके निवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दीपक और धूप को यहाँ पे प्रज्वलित करेंगे, और उसके बाद में माता पार्वती को, सुंदरी को, गणपति पापा, कार्तिक के मन में ध्यान कर
करते हुए हम सबको रोली से तिलक कर देंगे। भगवान शंकर को रोली से तिलक नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे हमने धूप और दीप यहाँ पे प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद में हम खुद अपने लगा लेंगे, जैसे चंदन से रोली से आप खुद को टीका लगा ले, और उसके बाद में हम सभी भगवान को, भगवान शंकर को, लाला को, सबको धूप दिखाएंगे। उसके बाद में हम आरती कर लेंगे। सीधी साधारण सी पूजा होती है। अगर आप दक्षिणा रोज काटते हो तो आप रोज निकाल सकते हो दक्षिणा। अगर नहीं निकालते हो आप, अगर सोमवार टू सोमवार निकालते हो तो आप सोमवार टू सोमवार भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें प्रेम पूर्वक या आरती करेंगे। आरती आपको जैसे भी आती है आप वैसे आरती कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी आरती हो गई लाला की, भगवान शंकर की, और आरती सबको दे देंगे। उसके बाद में हम खुद आरती ले लेंगे। बस सिंपल साधारण सी पूजा है यहाँ पे भक्तों, और इतनी पूजा हमें रोज़ डेली करनी ही चाहिए, चाहे सावन हो या ना हो, तो ऐसे डेली पूजन करना चाहिए। उसके बाद भी हम लाला को, भगवान शंकर को यहाँ पे दूध का भोग लगाऊंगी। यहाँ पे मैं दोनों टाइम भगवान शंकर को भी, मैंने देखो मन में जैसे कोई प्रण ले लेते हैं ना हम, तैसे बोल रखा है मैंने, तो मैं भगवान शंकर को दोनों टाइम दूध का भोग लगाती हूँ। लाला को तो मैं जैसे 5 बार 6 बार भोग लगा देती हूँ दिन में। तो यहाँ पे हम तुलसी दल डालेंगे। भगवान शंकर को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम लाला को भोग लगा देंगे। और लाडो को, लाला को ऐसे मन में बोल करके हम ऐसे भोग लगाएंगे। उसके बाद में हम भगवान शंकर को भोग लगा देंगे, और वैसे ऐसे हमारी पूजा हो जाएगी। आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हो, आप कोई भी फ्रूट का भोग लगा सकते हो, भगवान शंकर का जो बेलपत्र का जो फल आता है आप उसका भोग लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे लाला को और भगवान शंकर को भोग लग गया है। और इसके बाद में हम जो ये दूध है, आप चाय में या फिर आप खुद ही माले पी लीजिए या फिर बच्चों को दे दीजिए। तो यहाँ पे देखो पूजा हो गई है और आप दर्शन कर लीजिए। तो चलिए भक्तों, आज का व्लॉग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे। कैसी लगी मेरी आज की पूजा, सिंपल साधारण।